कहानियाँ ढेर सारी आपने सुनी होगी, लेकिन इस प्रेम में नफरत भी है और ये नफरत किस तरह जुनून बन जाता है, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए फिल्म निर्माता मिलन लुथरिया जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। शुक्रिया। तड़प लेकर आ रहे हैं, आमतौर हम देखते हैं कि प्रेम कहानी में बिछड़ना होता है, मिलना होता है, यहाँ तो ट्रेलर में कुछ और ही नज़र आ रहा है, तो सर क्या लेकर आए हैं आज हमारे लिए? वक्त बदल चुका है, नई नई कहानियाँ आ रही हैं, तो एक ट्रेडिशनल रोमांटिक फिल्म बनाना आई डोंट थिंक इज द नीड ऑफ द आवर। फिल्में वैसी होती भी नहीं कि जो ट्रेडिशनल हो। जी, तो जब एक कहानी की तलाश थी इस फिल्म को बनाने के लिए, तो हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी, बहुत सारी फिल्में देखी, फिर जब RX 100 हमारे सामने आई तो एक साथ में सबको लगा कि ये सही फिल्म है, क्योंकि इसकी एक अपनी अपनी एक रूह है, इस फिल्म की एक अपनी पहचान है, एक अपनी फितरत है जो मैंने अभी तक नहीं देखी ऐसी कहानी, और मुझे लगा कि इन कीपिंग विद द चेंजिंग टेस्ट्स एंड द चेंजिंग टाइम्स, अगर एक यंग फिल्म बनानी है और उसमें अगर मुझे अपने आप को भी सेटिस्फाई करना है एज ए फिल्म मेकर, तो जो जिस किस्म का ड्रामा मुझे पसंद है, जिस किस्म की इंटेंसिटी मुझे पसंद है, वो सारी चीज़ों को ये फिल्म सेटिस्फाई कर रही थी। जी, आहान को भी बहुत अच्छी लगी ये फिल्म। ही फेल्ट के सर मुझे ऐसा रोल करना है। चैलेंज ये था कि वो कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि इट इज़ नॉट अ रेगुलर डेब्यू रोल, जो कि काफ़ी आसान होते हैं यूजुअली। सिंपल कहानियाँ होती हैं, सिंपल रोमांस होता है, सिंपल या तो बाप खिलाफ हो जाता है या तो फैमिली खिलाफ हो जाती है या कुछ और इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन इतना वज़न डालना एक एक्टर पे, एक नए एक्टर पे, आपने देखा है ट्रेलर में और गाने में कि बिल्कुल, बिल्कुल। उसके दो अलग अलग लुक हैं, बहुत इंटेंस परफॉर्मेंस है। That was my only concern, and उसने बहुत खूबी से उसको निभाया है, इसलिए ट्रेलर अच्छा लग रहा है लोगों को। आप यकीन मानिए कि अगर उसने एक कदम भी गलत रखा होता इस परफॉर्मेंस में, तो वो दिखाई देता लोगों को। जी, अगर RX 100 की बात करूँ तो बतौर ऑडियंस मैंने भी वो फिल्म देखी है। जी, तो जब हमें पता चला कि उसकी एक हिंदी रीमेक बन रही है जिसमें आहान है, तो सबसे पहला तो विचार यही आया कि नहीं उस लेवल की नहीं, क्योंकि वो फिल्म इतनी कमाल की है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद एक नज़रिया ज़रूर बदला है। लेकिन क्या बतौर डायरेक्टर आप पर वो एक प्रेशर है कि लोग उस आफ्टर रिलीज लोग उससे कंपेयर करेंगे, किस तरह का एक मिला जुला रिएक्शन होगा, क्योंकि वो अपने आप में एक फिल्म है। हाँ, देखिए, अडेप्टेशन का पहला रूल ये है कि अगर आपको किसी चीज़ को बदलना है या आप उसकी इज्जत नहीं करते हो या आपको लगता है कि मैं उससे बेटर बनाऊंगा, तो आप पहले से ही गलत हो। किसी ने बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है, आपको अच्छी लगी है, आपने उसके राइट्स खरीदे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसके इंस्टिंक्ट्स समझने होंगे कि वो किस किस्म का डायरेक्टर है, उसने क्यों ये कहानी चुनी, उसने क्यों ऐसे ऐसे सीन्स रखे। तो मैंने बहुत लॉयली उस फिल्म को फॉलो किया है। कुछ चेंजेस हुए हैं डेफिनेटली, जो कि हो ही जाते हैं अडेप्टेशन में, लेकिन उसका कोई भी जो एक फाउंडेशन है, उस कहानी के जो फाउंडेशंस हैं, जो पिलर्स हैं, वो मैंने नहीं छेड़े। और कंपैरिजन होगा, आई बी वेरी हैप्पी। आई थिंक द ओरिजिनल इज़ अ वेरी फाइन फिल्म, वेरी वेरी वेल परफॉर्म्ड, वेरी वेल डायरेक्टेड, लवली म्यूजिक, बॉय एंड गर्ल बोथ फैंटास्टिक, डायरेक्टर्स जॉब फैंटास्टिक, बैकग्राउंड म्यूजिक फैंटास्टिक। तो ये है कि मज़ा आएगा कि लोग जब कंपेयर करेंगे, तो आई वांट टू सी कि हाउ वेल आई हैव डन। जी मिलन जी, एक तीखा सवाल मैं पूछूंगी। ट्रेलर के नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो कई लोगों ने लिखा था कि अब बॉलीवुड के पास क्रिएटिविटी नहीं बची है, जब देखो तब कोई गाना उठा लेते हैं या फिल्म उठाकर उसका रीमेक कर देते हैं, तो इसको लेकर क्या आपके विचार है, क्या जवाब होगा आपका? मैं ये कहूँगा कि अगर 220 फिल्में साल में रिलीज होती हैं, तो शायद 20 या 30 फिल्में रीमेक होंगी, बाकी 190 तो ओरिजिनल हैं। तो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। कभी आप नॉवल उठा लेते हैं, अगर आप हॉलीवुड की हिस्ट्री देखें, तो सबसे ज़्यादा फिल्में जो हैं, जो पिछले 50 साल में वहाँ बनी हैं,
दे आर आइदर बेस्ड ऑन नॉवेल्स और प्लेज और सम रीमेक ऑफ सम कोरियन फिल्म. सो द बिगेस्ट फिल्म मेकर्स इन द वर्ल्ड डू इट. अगर इट राइट फ्रॉम लोग चार्ल्स डिकेंस या शेक्सपियर की कहानियाँ अब तक बना रहे हैं. फिल्म मेकर एज टैलेंटेड एज गुलजार साहब मेड अ फिल्म लाइक अंगूर विच इज़ बेस्ड ऑन अ शेक्सपियरियन प्ले. सो देर इज़ नो शेम इन अडेप्टिंग. यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द मटीरियल. जी लेकिन OTT की बात करें तो अब लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि काफ़ी कंज्यूम किया गया. उसके पहले भी काफ़ी अच्छा चल रहा था. अब एक तरह का जो है क्वालिटी कम और क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है. एंड आई थिंक वो अपने आप सेटल हो जाएगा. यू नो आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट ओनली गुड शोज आर बीइंग पिक्ड अप बाय प्लेटफॉर्म्स एंड नॉट के भरते जाओ. जी जी तो सेटल होगा जरूर. तो आपको OTT का कौन सा कोई कंटेंट पसंद हो आपने जो देखा हो जिसको बहुत सारे जैसे बहुत कुछ आप नाम ले पाए इंडियन या फिर दिल्ली क्राइम. अच्छा फैबुलस शो. TVF का एक शो है ट्रिपलिंग. वेरी वेरी नाइस शो. देन पाताल लोक. तो मतलब इसमें इतने बड़े कलाकार नहीं हैं फिर भी उनके काम को पसंद किया गया है और हर जगह जो है वो एक ग्लो बहुत बड़ी बात. जी जी जी. अच्छा तड़प की बात करें तो एक्साइटेड हम बहुत ज़्यादा हैं. अच्छा ऑडियंस को अगर आप एक बता पाएँ एक लाइन में ये बात बता पाएँ कि क्यों वो थिएटर तक जाएँ तड़प देखने के लिए. ऑडियंस थिएटर में जाती है एंटरटेन होने के लिए. जी. जो मैं कह चुका हूँ तो दिस फिल्म इज़ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट. और एक बहुत बहुत सालों के बाद एक इंटेंस अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी आई है. जैसे पहले कुछ इंटेंस फिल्में आती थी लाइक सड़क एंड हीरो एंड दोस काइंड ऑफ फिल्म्स. वो काफ़ी वक्त से वो वैसी फिल्में आई नहीं हैं. जो रेगुलर डेब्यू होता है वैसी फिल्म है नहीं. वैसा वो दिख भी नहीं रहा है. तो इसका मज़ा लीजिए. ये अलग फिल्मों की तरह नहीं है. बहुत बहुत पैशन है इस फिल्म में और बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी है. जी मिलन जी मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आपको इतना वक्त क्यों लगता है क्योंकि आपकी फिल्में दमदार होती लेकिन बहुत गैप के बाद आप फिल्म लेकर आते हैं हमारे लिए. देखिए वक्त इतना नहीं लगता है. कभी कभी जैसे इस बार तो 2 साल हमारा पैंडेमिक में चला गया. मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता हूँ. मैं एक टाइम पे एक ही फिल्म बनाता हूँ क्योंकि मैंने कई फिल्म मेकर्स को देखा है लाइक द ग्रेट यश चोपड़ा. वो भी एक टाइम पे एक ही फिल्म बनाते थे. तो आई स्टिक बाय दैट रूल एंड समटाइम्स इट टेक्स मी मोर टाइम बट आई एम हैप्पी आई एम कंटेंट. मैं एक साथ में 3 फिल्में नहीं कर सकता. तो बट कोशिश ये है हर बार मैं यही कहता हूँ कि कोशिश ये जैसे वंस अपॉन अ टाइम और डर्टी पिक्चर के बीच में सिर्फ 1 साल का गैप था. तो कोशिश ये है कि अगले साल के एंड तक कुछ हम तैयार करें. जी अच्छा RX 100 की बात करें तो उसके रीमेक के तौर पर आप तड़प ला रहे हैं लेकिन कोई पुरानी फिल्म 60 या 70 के दशक की जिसका रीमेक खुद आप बनाना चाहते हैं उसको अपने तरीके से पेश करना चाहते हैं आप. बहुत मुश्किल है क्योंकि उन फिल्मों का एक स्टेटस बन गया है. जी. तो मैं नहीं चाहूँगा. मतलब अंदर ही अंदर तो बहुत चाहता हूँ मैं लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको जहाँ है उनको वहीं रहना चाहिए. वो किसी का एक उनका एक अलग मैजिक है जो उस बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने वो फिल्में बनाई थी. सो आई वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम दैट. जी तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तड़प के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. उम्मीद करते हैं कि इस बार बिना ज़्यादा गैप के आपकी फिल्में हम जल्द से जल्द देख पाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.